गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लॉक देख रहे थे, एक्चुअली में क्लॉक तो खैर काफी बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन चूंकि पूरा हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ देख रहे हैं, तो लगभग हमने पहले दो लेक्चर किए थे जो कि छोटा छोटा लेक्चर था। आज हम लोग अगले में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो कि हम लोग पांच छह टाइप का बोले थे कि कवर करेंगे। एंगल निकालना, रिफ्लेक्स एंगल निकालना, ऑपोजिट होगा तो मतलब टाइम क्या हो रहा होगा, जब कौन साइड कर रहा होगा तो टाइम क्या होगा, जब 90 डिग्री होगा तो टाइम क्या होगा, और मतलब कि फिर मिरर इमेज निकालना, वाटर इमेज निकालना। तो देखते हैं इस लेक्चर में हम लोग कहाँ तक कवर कर पाते हैं। जहां तक भी कवर करेंगे अच्छे से कवर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 to 9 o'clock विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा वाला हो गया, अपोजिट डायरेक्शन वाला। इससे पहले दो क्वेश्चन हम लोग किस पे किए थे, हम लोग क्वेश्चन किए थे टुगेदर पे, ठीक है। एक टुगेदर में एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, ये मैं पूछना चाहूंगा, ठीक है। और इसका हम लोग लगभग एक मेथड से सॉल्यूशन देख भी लिए थे, दूसरा मेथड रह गया था पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों का, तो कोई नहीं, आज हम लोग दोनों मेथड से देखेंगे। तो पहले इसमें से एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि पूरा जो एक दिन हम लोगों का होता है 24 आवर, ठीक है, तो उसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि पूरा 24 आवर में आपको बताना है कि मतलब कि जो है सो कि कितना बार हम लोगों का जो क्लॉक है, मतलब कितने बार जो है सो कि ये दोनों एक दूसरे के मतलब साथ टुगेदर मतलब एक दूसरे को कॉन्साइड करेगा 24 घंटे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग देखते हैं एक मतलब कि क्लॉक बनाते हैं, ये हम लोगों का हो गया घड़ी 3, 6, 9, 12। तो जनरली देखने में लगता है कि जब हम लोग का ये 12 घंटा कम्प्लीट हो रहा होगा, जब हम लोग का पूरा 12 घंटा कम्प्लीट हो रहा होगा, तो साथ में ये कब आता होगा, जैसे कि ऐसा लगता है कि ये एक बार इस तरह से साथ में आता होगा जब ये टाइम हो रहा होता होगा तो, और उसके बाद जब ऐसा टाइम होता होगा मतलब कि हर एक घंटा में जब ये पूरा एक बार कंप्लीट करता होगा, जैसे कि हम लोग को एक टाइम की बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी 12 बज रहा है, ठीक है, अभी 3 बज रहा है, तो 3 से 4 की ही बात कर लेते हैं हम लोग, 3 से इधर हम लोग 4 की बात कर लेते हैं, तो हम लोग का ये होगा 3, 6, 9, 12, इधर हम लोग 4 की बात करते थे, ये हो गया हम लोगों का 4 बज रहा है, ठीक है। जब ये 3 से 4 बजना स्टार्ट हुआ होगा, मतलब जब 3 से 4 जब ये मिनट हैंड यहाँ से चलना स्टार्ट किया होगा, तो धीरे धीरे ये भी यहाँ से चलना स्टार्ट किया होगा, बस अत ये है कि इसका चलने का रेट थोड़ा तेज होगा, इसके चलने का रेट थोड़ा कम होगा, जो कि हम लोग पिछले क्लास में देखे भी थे कि ये कितना मिनट का स्पेस गेन करता है, 55 मिनट का स्पेस गेन करता है, कौन मिनट हैंड कितना देर में, तो 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना का स्पेस गेन करेगा, 60/55 मतलब 12/11 मिनट का, हर एक मिनट में ये इतना का स्पेस गेन करते जाता कौन मिनट है, ठीक है। तो ये तो आगे का डिस्कशन, इसको हम लोग देखेंगे। अभी अभी हम लोग का जो क्वेश्चन है कि 24 घंटे में जो सो कि एक दूसरे के मतलब कितना बार ये लोग एक दूसरे को क्रॉस करता है, मतलब कितना बार ये लोग एक दूसरे के साथ रहा होगा, कॉन्साइड किया होगा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री रहा होगा, ठीक है। तो इसको इधर हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, तो जनरली थॉट आता है कि ये एक दूसरे के साथ कब रहा होगा, ये 3 बज रहा है, ये 4 बज रहा होगा, तो साथ कब में कब रहा होगा, ये हम लोगों का 3 हो गया, ये हम लोगों का 6 हो गया, ये हम लोगों का 9 हो गया, ये हम लोगों का 12 हो गया, ठीक है। तो साथ में कहीं यहाँ पे रहा होगा, मतलब कि 3 से 4 के बीच में 3:20 के आसपास हो रहा होगा, तो मतलब ये 3 की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा। इधर हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये हम लोगों का कौन सा हो जाएगा आवर हैंड, ये हो जाएगा हम लोगों का मिनट हैंड, ये हो जाएगा आवर हैंड, ये मिनट हैंड, तो यहाँ पे लंबा वाला चूंकि मिनट हैंड होता है, छोटा वाला आवर हैंड होता है, तो ये मतलब कि रहा होगा। तो चूंकि जब 3 से 4 बज रहा था, तो हर एक घंटे में जो है सो कि एक बार ये दूसरे को क्रॉस कर रहा था, मतलब हर एक बार ये एक दूसरे के साथ में आ रहा था, मतलब हर एक बार मतलब एक घंटे में एक बार एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा था, तो एक घंटे में एक बार हुआ, तो 12 घंटे में कितना बार होगा, 12 बार, 24 घंटे में कितना बार होगा, एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटे में कितना बार होगा, 24 बार, लेकिन ये 24 आंसर नहीं होता, ये गलत आंसर है। तो आंसर क्या होता है, तो आंसर होता है 22। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 22 होता कैसे है, ऐसा मतलब बोल दीजिएगा तो बोलने से तो केवल नहीं हो जाएगा, तो ठीक है हम लोग देखते हैं कि 22 ही क्यों होता है, मतलब 2 का नुकसान जो होता है हम लोगों को, तो वो नुकसान आखिर कहाँ होता है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग देखते हैं, सोच करके देखिए कहाँ होता होगा 2 का नुकसान, हर एक 12 घंटा में एक का नुकसान होता है, ठीक है, एक बार मतलब वो रिपीट कर जाता है, तो मतलब कि 24 घंटा में 2 बार होगा, 12 घंटा में एक बार नुकसान होगा, तो 24 घंटा में 2 बार तो होगा ही होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखिए, आपने सोच लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोग क्या बजा देते हैं, 11 बजा देते हैं, तो जब 11 बज रहा होगा तो टाइमिंग कुछ इस तरह से हो रहा होगा, ठीक है, ये हम लोग का आवर हैंड होगा, ये हम लोग का मिनट हैंड होगा। अच्छा अब जब 12 बज रहा होगा, तो 12 बज रहा होगा तो टाइमिंग कुछ इस तरह से हो रहा होगा, ये हम लोगों का मिनट हैंड लंबा वाला हो जाएगा, ये हम लोगों का मिनट हैंड हो जाएगा, ये हम लोगों का आवर हैंड हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम लोगों का क्या बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा, इसमें
ग्यारह बज गया, इसमें 12 बज गया, इसमें आप 1 बजा दीजिए, इसमें आप 1 बजा दीजिए, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका, ये आवर एंड हो जाएगा, ये मिनट एंड हो जाएगा। ठीक है, आप खुद सोच के देखिए, जब ये 11 बज रहा होगा मतलब मिनट हैंड यहाँ से चलना स्टार्ट किया होगा, ठीक है, तो ये कहां पर जाकर के मिल रहा होगा, एकदम जस्ट इसके पास में मिल रहा होगा, मतलब जस्ट 12 बजे के पास मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब ये यहां से चलना स्टार्ट किया होगा मिनट हैंड, तो ये भी चलना स्टार्ट किया होगा, आवर हैंड भी इधर चलना स्टार्ट किया होगा, मिनट हैंड इधर चलना स्टार्ट किया होगा। तो आप सोचिए, जब ये यहां पर चलते चलते आ गया होगा, हमको इसको लिखी देते, ये 11 है, ये 10 है, जब ये 11 तक चलते चलते आ गया होगा, ठीक है, तब ये यहां पर कितना आ गया होगा, 55 मिनट। तो आप सोचिए, ये भी तो लगभग मतलब कि चलते चलते यहां जस्ट पहुंचने वाला होगा, मतलब 12 के आसपास। क्यों? क्योंकि हर एक मिनट में कितना का लीड ले रहा है, 12/11 मिनट का लीड ले रहा है। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, जब ये यहां से चलना स्टार्ट किया होगा, तो ये मेरा आवर हैंड भी यहां से चलना स्टार्ट किया होगा, क्योंकि यहां तक मिनट यदि रुका हुआ भी रहता तो ये यहां तक आते आते इसको बराबरी कर लेता, लेकिन चूंकि ये रुका हुआ नहीं है, जब ये चलना स्टार्ट किया है तो ये भी चलना स्टार्ट किया, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये तेज चल रहा है और ये स्लो चल रहा है। ठीक है, ये तेज चल रहा है और ये स्लो चल रहा है। तो जब ये यहां तक पहुंचा होगा, तो टाइमिंग मतलब ये कितना मिनट का दूरी कवर कर लिया होगा, 55 मिनट का, तो लगभग ये 60 मिनट, जब ये 60 मिनट की दूरी कवर करता है तो ये 5 मिनट की दूरी कवर कर लेता है, तो चूंकि ये 55 मिनट कर ही लिया, तो लगभग ये 12 के पास पहुंच ही गया होगा। तो दोनों कौन साइड कहां पे करेगा, 12 पे कौन साइड करेगा। ठीक है, 12 पे कौन साइड, ये 11 से 12 वाले के बीच में हुआ। अब आप सोचिए कि जब 12 बज रहा, अब 12 से जब 1 बज रहा होगा, मतलब ठीक है, 11 से 12 बजा दिया, 12 से 1 बज रहा होगा, तो 12 से जब ये स्टार्ट किया होगा चलना, स्टार्ट किया होगा चलना, तो चूंकि यहां पे ऑलरेडी कॉन्साइडेड था, ठीक है, अब यहां से जब ये चलना स्टार्ट किया होगा, तो मतलब कि यदि अगर आप इसको बोलते भी हैं कि इसको अब यहां से जब ये चलना स्टार्ट करेगा, तो ये इसको कॉन्साइड कहां से करेगा, जैसे कि मान लेते हम 2 कर लेते हैं, ठीक है, तो जब ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा, तो 1 और 2 के बीच में कॉन्साइड करेगा, 1 और 2 के बीच में कॉन्साइड करेगा, लेकिन ये जो आप 1 और 2 के बीच में कॉन्साइड करेगा, ये 1 से 2 बजे वाले के बीच में काउंट होगा, ना कि 12 से 1 बजे वाले के बीच में काउंट होगा। तो आप इसी को समझने की कोशिश कीजिए, जब 11 से 12 बज रहा होगा और जब 12 से 1 बज रहा होगा, तो दोनों में ये एक ही बार मतलब कि वो होगा, एक दूसरे को कॉन्साइड करेगा, मैच करेगा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद एक से यहां से जब एक मतलब कि 12 से जब 1 बज रहा होगा, 12 से 1 की बात हम लोग कर रहे हैं, तो जब 12 से 1 बज रहा हो, तो 12 बजे ऑलरेडी कॉन्साइड कर चुका है। ठीक है, तो जब 12 से 1 ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्साइड कर चुका है, तो अब यहां से जब 12 से जब 1 बजना स्टार्ट करेगा, तो जब 12 से 1 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मिनट हैंड यहां से चलना स्टार्ट करेगा, आवर हैंड यहां से चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो चूंकि आवर हैंड यहीं पे पीछे रह जाएगा और मिनट हैंड यहां से आगे निकल जाएगा, और आगे निकल के इस तरह से अपना टाइमिंग पूरा कर लेगा। ठीक है, तो मतलब कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में आवर है 2, लेकिन मिल कितना बार रहा, 1 ही बार। कहां पे मिल रहा, तो 12 बजे के टाइम पे मिल रहा। इसके हम लोग थोड़ा ज्यादा टाइम दिए, क्योंकि ये हम लोग का टुगेदर वाला फर्स्ट हाई टाइप का क्वेश्चन, उसके बाद हम लोगों का जो अपोजिट वाला होगा, अपोजिट मतलब 180 डिग्री वाला होगा, उसके बाद हम लोगों का 90 डिग्री वाला होगा। 90 डिग्री मतलब कि दूसरे के साथ जो राइट एंगल बनाता है, तो इन दोनों पे हम लोगों को ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं होगा, बस खाली आपको टाइम बता देंगे कि कहां पे वो दोनों एक दूसरे का मतलब दो बार काउंट हो रहा है, तो वहां एक्चुअली ना आपको 2 बार काउंट ना करके 1 ही बार काउंट करना है। ठीक है, तो हम लोगों का कहने का मतलब ये था, इसी को आप समझिए, मैं फिर से समझा रहा हूँ। जब हम लोगों का 11 बज रहा होगा, तो टाइमिंग कुछ इस तरह से हो रहा होगा, जब यहां से मिनट हैंड चलना स्टार्ट किया होगा, और तो उसके साथ साथ क्या होगा कि आवर हैंड भी यहां से चलना स्टार्ट किया होगा। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना रहा होगा कि ये जब यहां से तेज चल रहा होगा, तो ये धीरे चल रहा होगा, लेकिन जब ये चलते चलते यहां तक पहुंचा होगा, तो ये भी चलते चलते लगभग 12 तक पहुंच गया होगा। ठीक है, तो मिलेगा कहां पे, 12 पे मिलेगा। अब जब 12 से 1 की बात करते हैं हम लोग, यहां से जब हम लोगों का मिनट हैंड चलना स्टार्ट करेगा, तो मिनट हैंड चूंकि तेज चलेगा और आवर हैंड स्लो चलेगा, तो मिनट हैंड इसको पीछे छोड़ के निकल जाएगा, मतलब कि मिनट हैंड आगे निकल जाएगा और इस तरह से हम लोगों का 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में ये एक्चुअली में 2 घंटा है, लेकिन मिल कितना रहा दोनों से, एक दूसरे से, वो 1 ही बार मिल रहा है, इसीलिए कि ये हम जो हम लोगों का आंसर होता है वो 24 ना होकर के ये कितना होता है, 22 आंसर होता है। मतलब दिन भर में जो है सो कि कितना बार एक दूसरे के साथ में आता है मिनट हैंड और आवर हैंड, तो 24 घंटे में वो 22 बार एक दूसरे के साथ में आता है। उसी तरह से अगर हम लोग को 1 मंथ का पूछ लेगा, तो देख लेंगे 1 मंथ जो है सो कि कितने दिन का है, 30 महीना का है कि 31 दिन का है, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है अपोजिट डायरेक्शन वाला, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अनेक काम करते हैं, अपोजिट वाला भी साथ में अभी देख ही लेते हैं, तो उसके बाद जब 90 डिग्री वाला क्वेश्चन आएगा, तो 90 डिग्री वाला भी कवर कर लेंगे, वो 24 घंटे में कितने बार जो है सो कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है मिनट हैंड और आवर हैंड। ठीक है, तो इसको सोच करके देखिए, अपोजिट डायरेक्शन वाले का कितना होगा, एक दूसरे के साथ अपोजिट कितना बार आता होगा। ठीक है,
जैसे कि कोई भी आप मतलब कि क्लॉक में कोई भी एक टाइमिंग ले लीजिए, जैसे कि क्लॉक की हम लोग बात करते हैं ना, तो क्लॉक हम लोग एक क्लॉक बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा ये मानते हैं कि ये क्लॉक रहा, ठीक है, ये हमारा एक क्लॉक रहा, ठीक है। आप कोई भी टाइम मान लीजिए, जैसे हम 3 ही मान लेते हैं, ये अभी मेरा कितना टाइम हो रहा, 3 बज रहा है, ठीक है, ये 3, 6, 9, 12, ये हम लोग का आवर एंड हो गया, ये मिनट एंड हो गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें क्या करते हैं कि 4 बजा देते हैं, अब हम इसमें क्या करते हैं कि 4 बजा देते हैं। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में अब कराऊंगा क्योंकि एक पे हम लोग काफी ज्यादा टाइम दे चुके हैं, ये हम लोगों का 4 बज गया, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि मतलब कि बताओ 24 घंटे में, 24 आवर में, आवर हैंड एंड मिनट हैंड एक दूसरे के साथ कितने बार अपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा। तो पहले हम लोग 1 घंटे की बात करते हैं, जो 1 घंटे का होगा वो मतलब कि उसी हिसाब से फिर 12 घंटा कैलकुलेट कर लेंगे, जितना 12 घंटा में होगा उतना 24 घंटा में होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं, जैसे कि 3 से जब 4 बज रहा होगा तो ये हम लोगों का कौन सा मिनट हैंड, ये हम लोग का आवर हैंड है और ये हम लोगों का मिनट हैंड है, ठीक है, ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है। जब ये यहां से चलना स्टार्ट किया होगा, ये यहां से चलना स्टार्ट किया होगा, 3 से 4 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे हम लोग फिगर बनाएंगे ये कैसा होता। यदि अगर ये यहां पे रुका हुआ होता तो ये जब क्रॉस करते करते जाता तो यहां पे जाकर के अपोजिट डिग्री बना लेता, अपोजिट मतलब कि एक दूसरे के साथ 180 डिग्री बना लेता। लेकिन हुआ क्या, जब ये यहां से चलना स्टार्ट किया होगा तो साथ साथ ये भी यहां से चलना स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो हुआ क्या होगा, तो जब ये यहां से यहां पे चलना, मान लेते हैं कुछ भी दूरी ये चला होगा, जैसे कि यहां पे जाकर के ये अपोजिट बनाएगा, ठीक है, तो लगभग ये कितना दूरी चल चुका होगा, लगभग मान लेते 35-40, तो चूंकि 6 से तो वो ज्यादा ही है तो 4 के नजदीक में बनेगा, तो हम लोग मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि ये 4 है, 4 से नजदीक में बनाते हैं ये, ठीक है, तो ये 9 के इधर बनेगा, 9 के इधर करने का मतलब ये इसके साथ यहां पे जाकर के कुछ ये एक दूसरे के साथ अपोजिट होगा, मतलब कि 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, तो ये हम लोगों का 180 डिग्री का एंगल होगा। तो हम लोग को यहां पे लग रहा होगा कि चूंकि 1 घंटे में ये एक दूसरे के साथ एक बार मतलब कि अपोजिट आ रहा, मतलब दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहा, तो 24 घंटे में कितने बार करेगा ये, 24 बार। लेकिन ये 24 होता नहीं है, इसमें भी 22 ही होता है, तो सोच करके देखिए 2 इसमें कहां कम हो जाता होगा, जो उस केस में कहां पे कम हुआ था, 11, 12, 1 में, मतलब 12 बजे जो है सो कि 11 से 12 वाला भी काउंट हो रहा था और 12 बजे ही 12 से 1 वाला काउंट हो रहा था, चूंकि आवर 2 हो रहा था लेकिन काउंट 1 ही बार हो रहा था। तो इस केस में आप सोच करके देखिए, ठीक है, सोचे सोच लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग देखते हैं आगे साथ में। इसमें क्या होता है ना, तो ये वाला जो काम होता है ये 5 से 6 के बीच में होता है, 5 से 6 और 7 के बीच में, मतलब 6 बजे जो है सो कि दोनों का काउंट हो जाता है, 5 से 6 के वाला भी और 6 से 7 वाला भी, इसीलिए 12 घंटा में एक बार हम लोगों को नुकसान होता है, मतलब एक कम काउंट होता है और उस केस में जो है सो कि एक बार दोनों में एक ही बार काउंट होता है, इसलिए हम लोगों का 12 घंटा में एक बार काम होता है, 24 घंटा में 2 बार काम हो जाता है, इसलिए आंसर हम लोगों का 24 ना होकर के 22 होता है। देखिए अब हम लोग क्या बजाते हैं, इसमें 5 बजाते हैं, तो ये हम लोगों का हो गया 5, ये हम लोगों का हो गया आवर हैंड, ये हो गया हम लोगों का मिनट हैंड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, 6 बजे की बात करते हैं, तो 6 बजे वाला टाइमिंग कुछ इस तरह से हो रहा होगा, 6 बजे का टाइमिंग कुछ इस तरह से हो रहा होगा हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का आवर हैंड, ये हो गया मिनट हैंड, ये हो गया 3, 6, 9, 12, ठीक है। अब देखिए जब ये मिनट हैंड यहां से चलना स्टार्ट किया होगा, किससे, 5 से, जब 5 से 6 बज रहा होगा, ठीक है, तो यहां से जब ये चलना स्टार्ट किया होगा तो एक दूसरे के साथ ये अपोजिट कब आएगा, जब लगभग ये चलते चलते वापस यहां से चला जाएगा, मतलब कि ये जो 6 बज रहा है तो एक्चुअली में 6 बज रहा है, मतलब 5 से 6 वाले के बीच में कब ये अपोजिट हुआ होगा, तो ये यहां पे जाकर के अपोजिट हुआ होगा, क्यों, क्योंकि जब ये यहां से चल करके यहां आ गया होगा तो लगभग ये 55 मतलब 59 मिनट की दूरी तय कर चुका होगा, कौन तय कर चुका होगा, मिनट हैंड, क्योंकि इसके अपोजिट जाने के लिए तो इसको यहां तक जाना ही होगा, क्योंकि ये यहां से चलना स्टार्ट किया, क्योंकि जब ये यहां से चलना स्टार्ट किया तो ये यहां से चलना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में दूसरे के बीच में अपोजिट तो था नहीं, तो अपोजिट कब आएगा, जब वापस ये चलते चलते यहां जाएगा और ये चलते चलते यहां आएगा, तो चूंकि ये यहां तक 59 मिनट की दूरी तय कर चुका है तो ये भी लगभग 5 मिनट की दूरी तय कर चुका होगा, तो यहां पर जाकर के ये दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये 5 से 6 वाले के बीच में हुआ। अब हम लोग आते हैं 6 से 7 वाले के बीच में, ये हम लोगों का कितना बज रहा है, अभी 6 बज रहा है, ठीक है, ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है। अब हम लोग इसमें कितना बजाते हैं, 7 बजाते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 12, ठीक है, हम लोग क्या बजाते हैं, 7 बजाते हैं, ये हो गया हम लोगों का 7, ठीक है, ये 6 हो गया हम लोगों का, ये 5 बज रहा था, ये 6 यहां पे मैच किया था 6,
ठीक है। अब 6 से 7 की हम लोग बात करते हैं, जब ये यहां से हम लोगों का चलना स्टार्ट किया होगा, ठीक है, जब ये यहां से चलना स्टार्ट किया होगा, ये इसी टाइम अभी था, इसी टाइम अभी अपोजिट था एक दूसरे के, अब तो क्या होगा, ये इधर चल रहा हो तो ये इधर चल रहा होगा, मतलब क्या होगा, ये तेजी चल रहा होगा और ये स्लो चल रहा होगा, मतलब 180 डिग्री से दोनों के बीच का एंगल कम होते जा रहा होगा, ठीक है। तो 6 से 7 बजे के बीच वाले में यही वाला काउंट हो गया, और 5 से 6 वाले के बीच में भी यही वाला काउंट हो गया, मतलब 12 घंटे में एक बार क्या हुआ, 5 से 6 के बीच में काउंट 2 आवर हुआ, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना बार बना, एक ही बार बना, ठीक है। बाद बाकी हर केस में 5 से 6 के अलावा जो है सो कि हर 12 घंटा में जब मतलब 2 से 3 बज रहा होगा, तो एक बार ऐसा आना ऐसा रहा होगा कि दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट में रहा होगा, तो 24 आवर में कितने टाइम्स वो एक दूसरे के साथ अपोजिट में हुआ होगा, 22 टाइम्स, मतलब एक दिन का। उसी तरह से आपसे 1 मंथ का पूछ ले, 1 ईयर का पूछ ले, लीप ईयर का पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हर केस के लिए बता सकते हो। तो ये हम लोगों का एक छोटा सा क्वेश्चन था, किसके लिए, हम लोगों का एक था मतलब टुगेदर के लिए, एक था अपोजिट के लिए, टुगेदर में एंगल था 0 डिग्री, अपोजिट में हम लोगों का एंगल था 180 डिग्री। तो टुगेदर वाले केस में कहां पे हम लोगों का नुकसान हो रहा था, 11 से 12 के बीच में, जब 11 से 12 बज रहा था तो एक ही बार काउंट हो रहा था, और 12 से 1 हो रहा था तो उस समय भी 12 बजे ही काउंट हो रहा था। और इस केस में क्या था, जब हम लोग अपोजिट वाले की बात कर रहे थे तो 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में 6 बजे अपोजिट में आ रहा था, और 6 से 7 के बीच में 6 बजे ही अपोजिट में आ रहा था। तो चूंकि आवर यहाँ पे 2 है, 2 घंटा है, लेकिन अपोजिट कितना बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, 1 टाइम्स ही अपोजिट आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे था 12 घंटा में एक बार का नुकसान हुआ, उसी तरह से हम लोगों का 24 घंटा में 2 बार हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, ये हम लोग कौन सा क्वेश्चन है, अपोजिट वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग दोनों मेथड से करेंगे, फॉर्मूला वाले से भी करेंगे और हम लोग आवर वाले से मतलब क्लॉक से भी करेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें आपको कौन सा ठीक लगता है, जो भी आपको ठीक लगे आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी करेंगे, फॉर्मूला आपको एग्जाम में ऐसे आपको याद रखना चाहिए क्योंकि टाइम काफी ज्यादा सेव होता है, लेकिन बाई दी भी आप भूल गए तो आपको मेथड भी आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, और मेथड में भी प्रैक्टिस रहेगा तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। स्टार्ट करते इस क्वेश्चन को करना, जैसे ये जो क्वेश्चन है फॉर्मूला हम लोग क्या है, 11/2m = 30h ± θ, ठीक है। अब इस केस में क्या है, अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या हो जाएगा, थीटा 180 डिग्री, ठीक है, पुट कर दीजिए आप। अच्छा, और ये जो प्लस माइनस है तो आप यहाँ पे प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, एक जब आप प्लस लीजिएगा माइनस लीजिएगा एक में आंसर आएगा एक में आंसर नहीं आएगा, ऑटोमेटिक आपको लेने के बाद समझ में आ जाएगा कि वो आपका गलत था, वहां पर फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 11/2m = 30h, हम लोग यहाँ माइनस थीटा लेते हैं, माइनस थीटा करने मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यही एम हमको निकालना है, ये मिनट हमको निकालना है, आप पूछिएगा सर आवर की जगह पे क्या लेंगे, तो आवर की जगह पे हमको क्या लेना है, 8 लेना है, क्यों, क्योंकि आप खुद ही सोच के देखिए 8 से 9 की जब ये बात कर रहा है, तीन हम लोग बात करते हैं, ये 3, 6, 9, 12, ये हो गया 7, ये हो गया 8, 8 बज रहा होगा मतलब क्या होगा, ये ऐसा टाइम हो रहा होगा, ठीक है। अब जब ये अपोजिट कब आया होगा दूसरे के, जब ये यहां से चलना स्टार्ट किया होगा, यहां से चलना स्टार्ट किया होगा, ठीक है, 3, 6, 9, 12, ठीक है, अपोजिट कब आया होगा ये दूसरे के, तो ये जब यहां से थोड़ा सा ये आगे चला होगा, ये भी इधर चला होगा, तो मतलब ये यहां पे इधर हम ड्रॉ करें तो ये इससे नीचे, ये इससे ऊपर होगा, मतलब यहां पे कहीं पे, जैसे कि हम लोग यदि अगर बात करते हैं तो ये 8 से 9 के बीच में हो जाएगा, और ये हम लोगों का हो जाएगा इसके बीच में 5 से 10 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, यहां पे दूसरे के साथ ये अपोजिट हुआ होगा। इस समय टाइमिंग आपका क्या हो रहा होगा, 8:00 कुछ मिनट हो रहा होगा, 9:00 कुछ मिनट होने का तो सवाल ही नहीं होता है, इसीलिए हम लोग को जो है सो कि आवर की जगह पे 8 पुट करते हैं, ना कि 9 पुट करते हैं। तो ये इसका आंसर रहा कि 8 ही क्यों पुट करते हैं, क्यों, क्योंकि 8:00 कुछ मिनट पे ही ये दूसरे के साथ अपोजिट में आ रहा होगा, 9 का आने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया हुआ ये तो 9:00, इसको तो आप देख करके ऐसे ही छाट सकते हैं, इसको तो आने का कोई सवाल ही नहीं है, जब भी आंसर होगा तो इन्हीं दोनों में से एक होगा। तो यहाँ पे एम के जगह पे हम एच की जगह पे हम लोग 8 क्यों ले रहे हैं, तो ये इसका आंसर है, क्योंकि जब भी अपोजिट हो रहा होगा तो 8 से 9 के बीच में ही हो रहा होगा, 9 के बाद की तो बात ही नहीं होगा, क्योंकि 8 से 9 के बीच में ही क्वेश्चन भी पूछा गया, इसी के बीच का हमको टाइम भी देखना है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको पुट करते हैं हम लोग, 11/2m = 30 × 8 − 180, यहां से कितना हो गया 240 − 180, तो कितना हो गया 60, तो यहां से m = कितना हो जाएगा, इस 2 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 60/11, तो कितना हो जाएगा 120/11, यहां से कितना हो जाएगा 11, 11 × 110, 10 पूर्णांक 10/11, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 8 × 10 पूर्णांक 10/11, तो
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, क्लॉक वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। सर ये फॉर्मूला से तो चलिए ठीक है कि हो गया ये, लेकिन ये उससे कैसे होता है, मतलब कि क्लॉक वाले मेथड से। तो क्लॉक वाले मेथड से भी हम लोग इसको देखते हैं, क्लॉक वाले मेथड से हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो किसकी बात कर रही है, 8 से 9 की बात कर रहा है। तो काम करते हैं हम लोग इसमें, इस क्लॉक में हम लोग 8 बजाते हैं, 8 बजाते हैं। ये कितना हो गया, 3, 6, 9, 12, ठीक है। ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये हम लोगों का 8 बज रहा होगा, मतलब उस टाइम कुछ ऐसा टाइमिंग हो रहा होगा, ये 8 बज रहा होगा, ठीक है। तो यदि अगर ये हम लोगों का यहाँ पे रुका हुआ होता, ठीक है, तब ये इसको अपोजिट आने के लिए यहाँ पे कुछ आना पड़ता। लेकिन जब ये यहां से चल रहा होगा, तो जब ये यहां से चलना स्टार्ट किया, ये भी चलना स्टार्ट किया होगा, तो हमको नहीं पता कि ये एक दूसरे के साथ कहां पे अपोजिट में आ रहा होगा। एक्चुअली में अपोजिट कहां पे आ रहा होगा, तो एक्चुअली में ये लोग कुछ इस पोजिशन पे आ रहा होगा, इस पोजिशन पे आ रहा होगा अपोजिट में, ठीक है। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि ये कब अपोजिट में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कि जो भी आ रहा होगा तो 8 बज के समथिंग होगा। तो हमको पता है कि एक मिनट में मिनट हैंड कितना का लीड लेता है, 12/11 का लीड लेता है, ठीक है। और ये इसको चलना यहाँ पे कितना अपोजिट आने के लिए 10 मिनट चलना है। यदि ये रुका रहता तो 10 मिनट में इसको अपोजिट कर लेता, लेकिन ये इससे जब यहां से चलना स्टार्ट किया, तो मतलब जब ये यहां से चलना स्टार्ट किया, ये भी यहां से चलना स्टार्ट किया, बट डिफरेंस क्या था कि ये तेज चल रहा था मिनट हैंड, और ये आवर हैंड मेरा स्लो चल रहा था। तो किस रेट से तेज चल रहा था, तो हर एक मिनट में 12/11 के रेट से तेज चल रहा था, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, 8:2 कितना है, 10 मिनट, 10 × 12/11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8:12 यहाँ 120/11, तो 8:11 10 × 10/11, ये सिंपल सा आपका आंसर हो गया। बस ये जो 10 है इसके पीछे आपको दिया, तो इसमें यही चीज देखने वाली है कि कहीं कहीं पे फॉर्मूला आसान पड़ता है, कहीं कहीं पे क्लॉक वाला मेथड आसान पड़ता है। जैसे एंगल में हम लोग को लग रहा था क्लॉक थोड़ा लॉन्ग पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो क्लॉक ही हम लोग को ज्यादा इजी पड़ रहा है कंपेयर टू फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे कभी प्लस लेना होता है कभी माइनस लेना होता है, उसका भी कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे हमको बस ये देखना है कि आपको इस आवर हैंड को घड़ी को रोक देना है, कितने देर में ये इसके अपोजिट आ जाएगा, यदि रुका हुआ रहता तो। इसको अपोजिट मानने के लिए कितना टाइम कवर करना पड़ता, 10 मिनट कवर करना पड़ता। इस 10 मिनट को आपको क्या करना है, 12/11 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्यों, क्योंकि इसी 10 मिनट में जो है सो कि हर एक मिनट में ये इस रेट से आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था, इसको हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया। इस पे अपोजिट वाले पे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, अपोजिट वाले के ऊपर है। बस वहां पे जो हम लोगों का जो टाइमिंग था, यहाँ पे इस बार क्या हो गया, 10 to 11 हो गया, ठीक है। इस बार आपको बताना है कि ये कब जो है सो की